अज ना तुहानू एक बूटा दिखाउण लग्या सच नू। वैसे तो यह साडे हरपेज का काम आ, यह बदामा वाला बूटा दिखाउणा जी, स्यों वाला बूटा दिखाउणा हरपेज करदा हुंदा अपना काम यह। पर ना मैं आया सी बाई साडी कुड़ी व्याही है इत्थे लवाम, ते उत्थे ना बूटा लग्या होया। यह बूटे नू इंसुलिन का बूटा आखदे आ। असल दे विच ना कई लोगों नू शूगर हुंदी आ, ते वो समझते हैं कि शूगर नू मिठे नू कौड़े वाला, मतलब लोगों को एवें लगता कि जे मि शूगर होया तो कौड़ी चीज़ खाओ, बिकरेले खाओ जी, वो फलानी चीज़ खाओ, वो हट जाता। पर असल जो शूगर आ वो एक गलैड आ जो अपने इंसुलिन पैदा करता, जो घट पैदा करता तो शूगर बढ़न लग जाता, जे जमा ही पैदा करनों हट जाता तो वो पैदा करनों हट जाता तो फिर शूगर रहन लग जाता पक्का ही। फिर अपना ग्लूकोज आ जो जजब नहीं होंदा, तो उनू उदे दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी दवाई है जिहड़ी उस ग्लैड नू रिपेयर नहीं कर सकती। मतलब शूगर का इलाज है जिहड़ा दुनिया ते किते भी है नहीं गा। पर जो भी अगे कोई कोई कही जांदा तुम्मे खा लो, कोई कहिंदा किवें आ, उह चीज़ां ते किते ना किते मैं विश्वास नहीं करदा। पर मैनू ना बूटे दे विच फिर भी दिलचस्पी हुई, इन्ना जानण दे बाद भी दिलचस्पी हुई। दिलचस्पी इउं हुई कि आख्या जा रिहा कि ये बूटे दे पत्तियां दे विच इंसुलिन हुंदी आ। मतलब जे किसी दे अंदर ग्लैड इंसुलिन नहीं पैदा करता, वह बंदा ये पत्ते खा लैंदा तां ये एक नैचुरल इंसुलिन आ, तां उहदा शुगर भी कंट्रोल च हो जाता। ये कहना बाई का मतलब साडा प्राउणा ही आ, ते ये बाई का कहना है। ये बाई तुहानूं बूटा कित्थों मिलिया सी? ये तां मैनूं बहुत दूरों लिया के दित्ता इक बंदे ने दातना। ठीक आ भाई, भाई तुहानूं किन्ना शुगर आ? मैनूं तां 600 रहिंदा। 600 टीका लाउंदे आ तुसीं, हैना? ते भाई फिर की फर्क पिया इह टीका इहदे नाल? फर्क तां इहदे नाल मैनूं बहुत ज्यादा पिया। इह तां मैं जदों पत्ते खा लैंदा सीगा ते उदों मेरा, हुण मैं टीका भी 10 ते आ गया, शुगर भी मेरा 113-120 तों वधदा ही नहीं। रोटी खा के वी निर्णय काल जे तां 90-90 रहिंदा। इह भाई हुणां दा इह कहिणा है भाई इह मतलब ये पत्ते खाण नाल जिहड़ा भी ये डायरैक्ट इंसुलिन का बूटा, ये पत्तियां दे विच इंसुलिन आ। जिवें मैं उदाहरण के तौर पर गल करदा भी जिवें बोती दे दुध च इंसुलिन हुंदी आ, भी एवें तो कौड़ी तो आपां करेला कह दिंदे आ, कौड़ा हुंदा तो उहदे नाल शूगर नहीं खत्म हुंदा, करेले दे विच भी शूगर हुंदा। पर ये बाई हुणां दा कहना कि इहदे च इंसुलिन आ। मैं ये बूटा नहीं लोगों नू हजे दस कह रहा कि बूटा लाओ शूगर तो बचो, मैं इस तरह की गल नहीं करनी चाह रहा। मेरा गल करन दा मकसद ये आ कि जे वाकई ये इंसुलिन का बूटा हैगा तो यूनीवर्सिटी नू घट्टो घट इस मसले ते काम करना चाहिए, जां ये गल नू क्लीयर करना चाहिए कि बूटा नहीं भाई एवें ना पत्ते खा खा के आपदा सेहत खराब कर लो, जां तां ये गल करनी चाहिए आ यूनीवर्सिटी नू। मैं तुहानू बूटा चंगी तरह दिखा दिंदा, वीडियो नू शेयर करो ता जो एक आवाज़ है जिहड़ी साडे यूनीवर्सिटी वालों तक पहुँच जाए। जे तो वाकई बूटा ये इंसुलिन का हैगा, ये पत्तियां चो वाकई रिसर्च करके पाउण के इंसुलिन हैगी आ, तो यह घर घर लगना चाहिए क्योंकि घर घर शूगर आ, तो यह नैचुरल इंसुलिन आ। दूजिया गोलियां जिहड़ियां गैर कुदरती इंसुलिन आ, वो गुरदियां ते बहुत प्रभाव पाउंदियां, हार्ट ते बहुत प्रभाव पाउंदियां। जे सच्ची इंसुलिन का बूटा हैगा तो घर घर पहुँचना चाहिए। मतलब मेरी बेनती यह है लोगों अगे कि इस आवाज़ को अगे लैके जायो। बाकी तो बूटा दिखा दें, तो सारी वीडियो देखी आदा धनवाद भी करदा, तो आ जाओ आप बूटा देख लें, चंगी तरह के पत्तियां की पहचान कर लो। ये ना आवे पेंड भी लगा एक घर दे, बुढ़ी नूं बहुत शूगर सी, मंजे ते बैठी है, दो पत्ते खांदी रही उल जाके, फिर उन्होंने लाया ले। इस बूटे की खासियत एक होर यह आ कि ये बूटे का कोई बी नहीं लाना पैंदा, ये बूटे की दाब आ जिहड़ी उही लग जांदी आ, ते दाब भी बड्डी नूं भावें 3 दिन जां 4 दिन पई नूं हो जाण ते फिर भी उत्थों ही चल पैंदा जांदा। बूटे ताकत हैगी आ। मैं इहदे पत्ते खा के वेखिया, पत्ते खाण तो बाद गल दे विच सवाद आ जिहड़ा उह औले जिहे वरगा आउंदा, मूँह बड़ा सवाद जिहा लगा दिंदा। बाकी दादा जानदा चल रही है।